अब जब मैं 15 मिनट सोता हूँ तो मेरे पास इतनी गजब की फ्रेशनेस आती है, इतनी गजब की एफिशिएंसी आती है, इतनी गजब की प्रोडक्टिविटी आती है कि कोई भी काम जो मैं मॉर्निंग में कर सकता था सुबह 5-6 बजे उठकर, वो मैं अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो कैसे हो सब यार, सब बढ़िया? तो दक्ष खरे दिस साइड, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ 15 मिनट नैप्स इंक्रीज्ड माय एफिशिएंसी। बट उससे पहले यार, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, और अगर फर्स्ट व्यूअर हो तो यार हमारी पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है यार, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, कि कैसे मैंने 15 मिनट नैप्स इम्प्लीमेंट करा। दूसरा, इस 15 मिनट नैप्स के फायदे क्या हैं। और तीसरा, आप कैसे इस 15 मिनट नैप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है यार, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी वाली स्टोरी, कि मैंने कैसे इसके बारे में सुना, समझा और फायदे जाने और कैसे इम्प्लीमेंट करा। तो क्या हुआ कि जब मेरा 10th बोर्ड्स आने वाला था, करीब 2-3 महीने पहले, मेरे को मेरा SST का बहुत सिलेबस बचा था। SST पढ़ना मुझे कभी पसंद नहीं था, और SST एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं सिर्फ सुबह के टाइम पढ़ सकता था। सुबह के टाइम, एक्चुअली मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, मैं जैसे कुछ लोग नाइट में पढ़ते हैं ज़्यादा, कुछ लोग सुबह ज़्यादा पढ़ते हैं, तो मैं सुबह ज़्यादा पढ़ता था क्योंकि नाइट में, रात में 10-10:30 बजे के बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता था। और स्पेशली SST जैसे सब्जेक्ट, वो सुबह पढ़ो तो काफ़ी हेल्प मिलती थी, तो मैं सुबह पढ़ता था SST का सब्जेक्ट। फिर यार क्या होता था कि सुबह भर में तो तुम्हारा पूरा सिलेबस होगा नहीं, तो मैं क्या कहते हैं, दिन में सोना स्टार्ट किया कि यार एकदम से फ्रेश होगा, क्योंकि इससे पहले तो मैं दिन में सोता भी नहीं था। मुझे लगता था दिन में सो के फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना, लेकिन अगर दिन में सो तभी जाके तुम्हें वो फ्रेशनेस आती है, राइट? वरना वो फ्रेशनेस नहीं आती। ठीक है, और SST तो मैं बिना फ्रेश माइंड के पढ़ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो यार मैंने क्या किया, सोना स्टार्ट करा दिन में, और उसको मिनिमम टू मिनिमम रखना स्टार्ट किया। पहले मैंने 20-25 मिनट ट्राई करा, ठीक है, लेकिन होता नहीं था यार। मतलब मैं क्योंकि दिन में नहीं सोता था, तो मेरा माइंड वैसे डेवलप हो गया था कि जब भी वो सोता था मेरा माइंड, तो बहुत लंबे आवर्स के लिए सोता था। ठीक है, तो जैसे मैं अभी जब भी दिन में सोया करता था, तो यार कभी कभी 1-1.5 घंटे बीत जाते थे, उसके बाद नींद खुलती थी। ठीक है, तो अलार्म लगाने के बावजूद, वो तो समझते होगे, है ना? तो लेकिन ये चीज़ काफ़ी हर्ट भी करी। तो कैसे हम 15 मिनट तक उस टाइम को ला सकते हैं यार? तो मैंने कैसे लाया, मैंने क्या किया फिर, कि बहुत प्रैक्टिस, मतलब करीब 20-25 दिन बाद ये चीज़ डेवलप हुई। पहले क्या हुआ कि मैं लेट उठता था, फिर धीरे धीरे थोड़ा जल्दी उठने लग गया, फिर एक दिन ऐसा आया कि 15 मिनट का मैंने अलार्म लगाया और मैं 15 मिनट में उठ गया। तो उससे क्या हुआ यार, कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द सा हो गया और मुझे उतनी फ्रेशनेस नहीं आई जो आनी चाहिए एक नैप के बाद, लेकिन मैं फिर भी उठा। ठीक है, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा माइंड वैसे वैसे डेवलप होने लग गया और वैसे वैसे उस चीज़ को प्रैक्टिस करने लग गया। तो अब मैं जब भी 15 मिनट के लिए सोता था, तो गजब फ्रेशनेस, गजब एफिशिएंसी, गजब प्रोडक्टिविटी आती थी। तो अभी एट प्रेजेंट मैं जब अब 11th में आ चुका हूँ, साइंस ले चुका हूँ, 3-4 महीने हो गए 11th को, अब जब मैं 15 मिनट सोता हूँ तो मेरे पास इतनी गजब की फ्रेशनेस आती है, इतनी गजब की एफिशिएंसी आती है, इतनी गजब की प्रोडक्टिविटी आती है कि कोई भी काम जो मैं मॉर्निंग में कर सकता था सुबह 5-6 बजे उठकर, वो मैं अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे कि अभी सब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो मेरी कोचिंग की भी क्लास अराउंड 3 PM होती है। तो यार मैं अराउंड 2:15-2:20 खाना खाने जाता हूँ, और 2:30 तक मैं खाना खाता हूँ, और 2:30 से 2:45 ये होता है मेरा टाइम 15 मिनट नैप का, जिससे मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 2:45 फिर मैं लैपटॉप खोलता हूँ, टीचर्स का वेट करते हैं, 3 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, तो क्लास में अच्छा सा फोकस बना रहे, इस वजह से मैं ये चीज़ प्रैक्टिस करता हूँ और ये गजब रिजल्ट्स ला रही है। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट था अपना कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे वैसे मैंने बता दिए हैं, और फिर भी अगर लिखना चाहे तो इसके फायदे हैं यार, एक फ्रेश माइंड हो जाता है, फ्रेश माइंड, और दूसरा यार कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी,
बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो यार कोई भी बच्चा जो पढ़ना चाह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके लिए दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी यार, एक फ्रेश माइंड, और जितनी देर वो पढ़ रहा है वो प्रोडक्टिव पढ़ रहा हो, ये नहीं हो कि बस किताब लेके बैठा है। ठीक है, तो ये हो गई फायदे की बात। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं यार कि आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यार आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो नाइट वॉकर्स होंगे, मतलब रात तक जगते रहते हैं, ठीक है, और रात तक पढ़ते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो मॉर्निंग टाइम पे पढ़ते हैं। तो यार देखो, मेरा तो एक तरीके से यही सजेशन रहेगा, सजेशन है, नोट कर लो, सजेशन है कि यार आप मॉर्निंग में पढ़ो। मॉर्निंग में आपका एक अलग ही माहौल होता है, जब आप सन को, आप सन से पहले उठ के उसको राइज करते हुए देखते हो यार, एक अलग ही फीलिंग आती है। बाकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो जो नाइट वॉकर्स हैं यार, वो ये कर सकते हैं कि वो दिन में थोड़ा लेट ये 15 मिनट नैप्स ले। जैसे मैं अराउंड 2:45 लेता हूँ, जब मैं सुबह 5:30 जगता हूँ तब। ठीक है, और अगर आप उससे पहले, मतलब आप उसके बाद जगते हो गए, अगर आप नाइट वॉकर हो, तो आप अराउंड दिन में ही 4 to 4:15 कुछ इस टाइप का टाइम ले सकते हो, जो आपको बेस्ट सूट करे। और जो मॉर्निंग में यार, वो एसी का टाइम 2 to 3 के बीच में कभी किसी एक स्लॉट में 15 मिनट नैप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नैप कब लेना है उसकी बात। अब हम बात करते हैं यार एकदम, मतलब उठना कैसे है, कैसे क्या करना है। तो यार यहाँ पे एक बात तो आई जाती है कि यार प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होगा यार कि तुम पहली बार 15 मिनट में उठ जाओ, और उठ भी जाओ तो फुल एफिशिएंसी में रहो और एकदम अच्छा सा फील करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा ड्राउजीनेस लगता है, कभी कभी थोड़ी सी नींद आती है, ऐसा नहीं कि पूरे दिन आएगी, हो सकता है 10-15 मिनट तक रहे, हो सकता है एक दो घंटे तक रहे, उसके बाद सही हो जाओगे। ठीक है, लेकिन एक बार जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो यार एक गजब फायदा देती है, गजब फायदा। हैबिट डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा? हैबिट डेवलप होने में यार तुम्हें अराउंड, अच्छे से हैबिट बिल्ड होने में 1 to 2 months लग जाएंगे, 1 to 2 months अच्छे से हैबिट बिल्ड होने में। बट तुम्हें रिजल्ट्स 10-15 दिन बाद भी दिखने लग जाएंगे, और जब भी दिखें तो कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है, तो यार क्या करना होगा, अलार्म लगाओ। अगर अलार्म, मुझे उस टाइम इसके बारे में पता नहीं था यार, एक ऐप होता है, स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे, पता ही होगा छोटे यूट्यूबर्स को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बट एक ऐप है यार अलार्मी, है ना, उसे डाउनलोड कर लेना। वो यार तुम जब, उस ऐप में क्या होता है कि जब तक तुम किसी ऑब्जेक्ट की फ़ोटो पे जाके उसे स्कैन नहीं करोगे ना, वो अलार्म बंद नहीं हो। जैसे मान लो तुमने किसी अपने घर के बाहर या आंगन का या कहीं भी, तुम जान समझ गए होगे, बेड से दूर तुमने वो लगा दिया, उसकी फ़ोटो खींच के अलार्मी में लगा दिया, तो तुम जब तक उसकी फ़ोटो नहीं खींचोगे, तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हें तुम्हारा अलार्म बंद नहीं होगा। ठीक है यार, तो ये तुम यूज़ कर सकते हो 15 मिनट से तुरंत बाद उठने का। एक बार बेड के बाहर आ गए यार, तब तो तुम आराम से पढ़ सकते हो। और इसका यार एक और फ़ायदा ये भी होता है कि 15 मिनट नैप्स ऐसे हैं यार कि तुम कभी भी ले सकते हो। मान लो तुम कभी स्कूल में यार फ्री पीरियड पढ़ा है ना, तुम्हें घर जाके ट्यूशन अटेंड करने, तुम सिंपली यार यही कर सकते हो। तुम्हारा लास्ट पीरियड है, सेकेंड लास्ट पीरियड है, तुम वहाँ जाके यार 15 मिनट नैप लास्ट बेंच पे जाके ले लो। एक लेवल आएगा जब तुम 15 मिनट लैप्स ले पाओगे इजली, और उस टाइम तुम्हारी एफिशिएंसी, टाइम, वर्क सब बचेगा। ठीक है, तो तुम इसे कभी भी ले सकते हो। कभी कभी मैं 8, 8:30 बजे भी बहुत ड्राउजीनेस फील करता हूँ, और मुझे बहुत काम करना होता है कल से पहले, मतलब रात में थोड़ा करना पड़ता है, तो फिर मैं यार 8, 8:15 बजे के आसपास भी 15 मिनट लैप्स ले लेता हूँ। ठीक, और फिर मेरी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो यार यही करना होगा, ज़बरदस्ती खुद को उठाना होगा, पहले शायद अच्छा ना लगे। ठीक है, सारा चेंज, कोई भी चेंज यार स्टार्टिंग में बहुत मेसी होता है। ठीक है, बट धीरे 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 अच्छा होता जाता है, और एक बार हैबिट बन गई ना, फिर तो यार एकदम काम तमाम। ठीक है, तो चलो यार इसी से वीडियो को एंड करते हैं। होप जो भी ज्ञान आपने इस वीडियो से आज लिया, उसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, बस ऐसे ही नहीं कि चले गए यार वीडियो में ज्ञान देखकर, कोई और वीडियो देखने जो यहाँ या वहाँ रिकमेंड हो रही हो, नहीं यार, हमें इम्प्लीमेंट करना है। ये जो तुमने 10 मिनट खर्च करे हैं, उसे पूरा यूज़ करना है अपने फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए। ठीक है यार, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कौन कौन से टॉपिक्स में आपको वीडियो चाहिए, और हो सके तो यार प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना। ठीक है यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है।
है उससे, ठीक है। तो चलो यार, ठीक है, बाय बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।